गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। लोक आस्था के महापर्व छठ पर गोरखनाथ मंदिर में व्रती महिलाओं ने किया अस्ताचल गामी सूर्य की आराधना, पुत्र के दीर्घायु होने के साथ लोक कल्याण की कामना। कमिश्नर और डीआईजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ मंडल के छठ घाटों का किया निरीक्षण, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के दिए निर्देश। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर व्रती महिलाओं ने डूबते सूरज को दिया अर्घ, अपने पुत्र की लंबी उम्र व परिवार के सुख समृद्धि की कामना। महानगर के विभिन्न छठ घाटों का सांसद रवि किशन ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए छठ मैया। महापौर सीताराम जायसवाल ने नगर वासियों को सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की दी शुभकामनाएं, भगवान सूर्य से महानगर को कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने की कामना। खोराबार क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंग रेप की घटना का पुलिस ने किया खंडन, सीओ कैंट ने कहा युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मामला आया सामने, मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। मुख्यमंत्री के निजी सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत संचालित जनपद के विभिन्न परियोजनाओं को सीएमआईएस पोर्टल पर प्रविष्ट एवं अद्यतन सूचनाओं को अपडेट कराने के संबंध में दी गई जानकारी। जिले में शुक्रवार को मिले 48 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,724। अब तक 316 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 392 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के विशेष सचिव ने किया स्टाम्प विभाग के कार्यों की समीक्षा, ई स्टम्पिंग के प्रचार प्रसार करने के दिए निर्देश। और पिपराई थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल छत्रधारी टोला शाहपुर प्राथमिक विद्यालय के पास नाले के किनारे 40 वर्षीय अज्ञात महिला का मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी।